नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे अब ऐसे रेलवे स्टेशनों के बारे में जहां पे ट्रेनें अब नहीं रुकेगी। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है। इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कोरोना काल के बाद अपने नए नियमों में बदलाव किया, जिसके बाद से ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ। तो वहीं भारतीय रेलवे एक बार फिर से पटरी पे दौड़ने लगी। इन दिनों मीडिया में खबर सुर्खियाँ बटोर रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव उन्हीं स्टेशनों पर मिलेगा जहाँ पर रेलवे को कमाई होगी। ऐसे में रेलवे की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जितनी टिकट से आमदनी रोज़ाना 15,000 से ज़्यादा की होगी तभी उस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनें रुक सकेंगी। बता दें कि वर्तमान में जो नियम है उसके अनुसार 5,000 तक की कमाई वाले स्टेशनों पर अस्थायी स्टॉपेज की सुविधा मिलती है। रेलवे की तरफ से यह नियम 29 अगस्त को ही रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग विवेक कुमार ने आदेश जारी कर लागू कर दिया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो एक स्टेशन पर ट्रेनों के रुक कर चलने पर करीब 25,000 रुपये खर्च होते हैं। इस खर्च में बिजली, डीजल और कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ स्टेशन और ट्रेन की सफाई, यात्रियों को मिलने वाली सुविधा शामिल होती है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जिस स्टेशन से 20 से कम यात्री सवार होते हैं उन स्टेशनों पर ट्रेनों का स्टॉपेज समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि नॉर्थ रेलवे में ऐसे 20 से अधिक ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी देखी गई है। आपको बता दें कि रेलवे के इस आदेश के जारी होने से पहले जिन स्टेशनों पर स्टॉपेज था वहाँ पर यथावत जारी रहेगा। रेलवे के इस नए आदेश के लागू हो जाने के बाद से नौतनवन दुर्ग एक्सप्रेस को लक्ष्मीपुर स्टेशन तो गोरखपुर मनावली एक्सप्रेस के ब्रिजमनगंज स्टेशन पर ठहराव दिया जाएगा। बता दें कि मुजफ्फरपुर बनारस बापूधाम एक्सप्रेस को सिसवा बाजार स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इन स्टेशनों पर रोजाना 15,000 से ज़्यादा की आमदनी रेलवे की होती है। सरकार के इस फैसले के बाद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्र ने बताया है कि भारत सरकार रेलवे को बेचने का काम कर रही है, तो बिना नोटिस चिपकाए हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे। सरकार बैकडोर की तरह फ्रेडडोर से रेलवे को बेचने की योजना बना रही है। सरकारी दादरी से मुंबई तक डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर को मित्र को देने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि जब फ्रेड ही हमारे हाथ से निकल जाएगा तो बचेगा क्या। उन्होंने ये भी कहा कि फेडरेशन रेलवे को बेचने नहीं देगा। इसी तरह से कई रेलवे डिवीज़न के मजदूर यूनियन की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिससे कि रेलवे के नए नियमों का विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में ये तय हुआ है कि अब वैसे रेलवे स्टेशन जहां पे 20 से कम यात्री यानी कि 20 यात्री तक जो है वहां से अगर सवारी करते हैं तो वहां पे जो है एक्सप्रेस ट्रेन की रोकने की अनुमति अब जो है नहीं होगी। साथ ही साथ वहाँ पर उस स्टेशन पर 15,000 तक की कमाई होनी चाहिए। तो दो अलग अलग नियम है, इन नियमों को अगर वह रेलवे स्टेशन फॉलो करता है तो वहाँ एक्सप्रेस ट्रेनें रुकेगी, अन्यथा नहीं रुकेगी। तो ये थी रेलवे से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।